हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? सो आज जो है हम JKPSC का 2016 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करने वाले हैं। और वो नेक्स्ट पार्ट हमारा सब जो भी अभी नए बैच में हो या फिर जो भी मेरे साथ यूनिटली पैकेज कोर्स में हो, उन सबको पता चलेगा कि कैसे वो क्वेश्चंस आपके एक एक क्वेश्चंस आपका उस पॉइंट से, उस जो भी हमने पढ़ा उनसे डील हो रहा है। क्योंकि आज के क्लास में यूनिट 3 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि आपकी SSB के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका JKPSC का तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम लोग वो करने वाले हैं। जो लोग भी अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी सेशन को शेयर करके आओ गाइस। सेशन को लाइक करो एंड सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? एंड हमारी SSB की भी क्लास चल रही है, हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 कर रहे हैं। कल की क्लास में हम पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट जो लोगों ने नहीं देखा है देखते जाओ, वो वीडियोस कभी भी प्राइवेट हो सकती है, तो डू वॉच अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐप को डाउनलोड कर लो अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो, और डाउनलोड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। साथ ही साथ कोर्सेज और ऐप को रेट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। एंड वंस अगेन, जिन लोगों को भी SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको यूनिट 1, 3, 6 डिटेल में पढ़ना है, दे कैन ज्वाइन दिस 3 मंथ कोर्स। क्योंकि यूनिट 5 तो हम SSB का करा ही रहे हैं, बट अगर अब वो अभी चाहते हैं कि साथ में ये सारा कोर्स भी करें, तो अभी हम रिसर्च और साइकोलॉजी कर रहे हैं और यूनिट 6 करने वाले हैं, तो आपका SSB का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अंदर आपका जो भी यूनिट 1, 2 एंड 3 जो आपके SSB के यूनिट्स हैं वो सब हम इसमें डील करने वाले हैं। 1, 3 एंड 4 यूनिट जो है SSB का, बाकी हम यूट्यूब पे भी कर रहे हैं, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, इनरोल करना चाहते हो, कर सकते हो। और आज के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि मेरे नोट्स रियली इतने ऑथेंटिक है कि आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से थम्स अप का लाइक दो, सभी को इस सेशन को शेयर करो और शुरू करें। जल्दी से थम्स अप का लाइक दो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम, ज्वाइन करना बिल्कुल भी, मतलब सारे अपडेट्स आपको वहीं मिलते हैं। तो आ जाओ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, करो। कल्चरल एंड सोशल लैग मीन्स, हम जानते हैं कल्चरल लैग का मतलब तो हम जानते हैं। कल्चरल लैग क्या है हमारा? कल्चरल लैग की जब हम बात करते हैं, कल्चरल लैग का मतलब है जब हमारे मटेरियल और नॉन मटेरियल चेंजेस के बीच में गैप आ जाए, दैट इज कल्चरल लैग। पर यहाँ हमसे सोशल लैग भी पूछा है, यहाँ सिर्फ मटेरियल चेंज बोला तो ये होगा नहीं, यहाँ सिर्फ सोशल एंड कल्चरल चेंज बोल रहे नहीं, बल्कि ऐसा सेटबैक इन द प्रोसेस, किसी एक्टिविटी में, किसी प्रोसेस में हम पीछे हो गए हैं सोसाइटी कल्चरली या सोशली, उसको कहते हैं कल्चरल एंड सोशल लैग। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सी है। वेरी गुड, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का मेन फैक्टर कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ, मेन फैक्टर कौन सा है सोशल चेंज का? फटाक फटाक से। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो, टेररिज्म फैक्टर तो है नहीं सोशल चेंज का, ना इलेक्शन फैक्टर, ना रिलीजियस। मेन फैक्टर हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जितना बदलाव आएगा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जितने आएंगे, मटेरियल चेंजेस जितना होगा, उतना हमारा सोसाइटी भी चेंज करेगा। तो यहाँ क्या? टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा हम जानते हैं दो, ये भी मैंने मेरी कंसेप्ट में मिला होगा, जो लोग मेरे साथ पढ़ चुके हो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है। मोबिलिटी हमारी इंटर जनरेशनल भी पढ़ा है और इंट्रा भी पढ़ा है। इंटर में हमने क्या पढ़ा था? इंटर में हम पढ़े थे जब एक से दूसरा में, जैसे कि देखो ये एग्जांपल, रूरल लेबर कम्स टू द सिटी एंड बिकम्स एन इंडस्ट्रियल वर्कर। सिटी में आए, ये इंटर जनरेशनल, ये उसके अंदर उसी के जनरेशन में ये ऐसा हुआ है, ठीक है ना? ये नहीं है, ये मैं अभी बता रही थी। ये एग्जाम्पल आपका क्या है? जब सेम रूरल लेबर जो है वो सिटी में आया और इंडस्ट्रियल वर्कर बन गया। दूसरा कह रहा है कि इंडिविजुअल गेट्स अ जॉब इन अ कंपनी और फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। एक इंडिविजुअल को उसको कंपनी में जॉब मिल गया और क्वालिफिकेशन की बेसिस पे। अ पर्सन वर्किंग एज अ सुपरवाइजर इन अ फैक्ट्री बिकमिंग इट्स मैनेजर आफ्टर गेटिंग प्रमोशन, प्रमोशन के बेसिस पे उसको मिला। और कह रहा है ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल ऑफ लेबर मार्केट चेंज मे लीड टू राइज और डिक्लाइन ऑफ एन ऑक्यूपेशनल ग्रुप विद इन द सोशल हायरार्की। अब मुझे बताओ, ये सारे हमारे मोबिलिटीज के, ये तो हमारा मोबिलिटी का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी ये ए है, सी है, जो कि हमारे क्या कर रहा है? सेम इंटरजनरेशनल नहीं, हमारा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक ही बंदा जो है वो यहाँ आकर के क्या हो गया? वर्क हो गया। यहाँ ये हमारा वर्टिकल मोबिलिटी बता रहा है कि एक बंदा रूरल में था और सिटी में आके इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, ये वर्टिकल मोबिलिटी। ये वाला हमारा क्या बता रहा है? हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, एक ही पर्सन उसी कंपनी में रह करके सुपरवाइजर बन रहा है और फिर मैनेजर बन गया।
और ये क्या बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है कि अगर राइज और डिक्लाइन हुआ किसी वजह से लेबर मार्केट में, तो जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप था ना विद इन द सोशल सोशल हायरार्की, उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से चेंज आ गया, दैट इज विद इन द हायरार्की बोला है, उसी हायरार्की के अंदर वो चेंजेज आया राइज और डिक्लाइन की वजह से। तो यहाँ हमारा क्या बेस्ट ऑप्शन है, डी डी, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन। इंट्रा जनरेशनल यानी कि सेम जनरेशन के अंदर ये चेंज हुआ है, इंटर जनरेशन जब बेटा बाप जो है वो मान लो बहुत पुअर था और कहीं क्लर्क की तरह काम करता और बेटा का अचानक से ऑफिसर हो गया, डेट इज इंटर जनरेशनल, ऑक्यूपेशन बदल गया, शुरू से हम करते आ रहे थे, मान लो शुरू से कोई जो है कहते ना वॉशरमैन या इसका काम कर रहा है, और अब सीधा उसका जो बेटा है वो ऑफिसर, चाय बेच रहा है और सीधा ऑफिसर बन गया, तो रिक्शा वाला है सीधा ऑफिसर बन गया, तो ये इंटर जनरेशनल है। लेकिन इंट्रा जनरेशनल क्या, जब सेम जनरेशन में उसी जनरेशन में ये राइज एंड डिक्लाइन होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करो, जजमानी सिस्टम इन द वोकैबुलरी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी थ्रू इस बुक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अपनी बुक में किसने जजमानी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो आज पहले जजमानी सिस्टम होता क्या है हम वो करते हैं, तो जब हम जजमानी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जजमानी सिस्टम जो है हमारा विलियम एच हाइजर ने दिया था, किसने, विलियम एच हाइजर ने, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी बुक द हिंदू जजमानी सिस्टम, बुक का नाम याद रख लो क्या पता बुक पूछ दे अगली बार, हिंदू जजमानी सिस्टम जो कि फील्ड ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें उन्होंने जजमानी टर्म यूज किया था जिसका मतलब यजमान। हम कहते हैं ना किसी को बुलाते हैं ना रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, पूजा वूजा करने के लिए, तो हम कहते हैं यजमान आप कर रहे हो बताइए पूजा, तो ये वही करा, पर्सन हु परफॉर्म्स अ यजना मतलब जो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करता है, यानी इफ सम यज्ञ इज टू बी परफॉर्म फॉर दैट सर्विसेज ऑफ सम ब्राह्मींस आर एसेंशियली नीडेड, यानी उस यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए कुछ ब्राह्मण चाहिए, तो इट वाज यूज कॉमन टू एवरीवन हु हायर सर्विसेज और टू हुम द सर्विसेज, ये टर्म उनके लिए यूज किया गया जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं या जिनको ये सर्विसेज दी जाती है, यानी अ पर्सन बाय हुम अ ब्राह्मण इज हायर टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विसेज, यानी उस पर्सन को बोला जा रहा है जो किसी ब्राह्मण को हायर कर रहा है उस रिलीजियस परफॉर्मेंस को, यानी कहते हैं ना हम अपने घर में पूजा को करने के लिए पंडित बुलाते हैं, तो ये जो बुलाया है ना पर्सन उसको कहते हैं यजमान, बार बार कहते हैं ना पंडित जी यजमान आप बताइए क्या करिएगा, यजमान इसके आगे क्या करना है, तो उस पर्सन को यजमान कहा जाता है, जजमानी सिस्टम, दैट पर्सन इज जजमानी सिस्टम, और ये दिया किसने, विलियम ए हाइजर, एच हाइजर। ठीक है, नेक्स्ट करो 55, जल्दी से बताओ, वेरी गुड। तो यहाँ बाकी तो है नहीं, 26A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 26(1) भी नहीं, ये भी नहीं, ये तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, हमसे क्या पूछा, एजुकेशन इज द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, 45 का A, 45 का A, आई मीन 45A, 45 आर्टिकल, 55 का A। नेक्स्ट करो 56, वेरी गुड। तो यहाँ क्या, स्लेवरी सिस्टम, स्लेव की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एंड दे इंजॉय फुल कंट्रोल, यानी वो किसी को ओन कर लिए और अब उन पे इंजॉय कर रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं, उन पे वायलेंस कर रहे हैं, तो वो कौन से सिस्टम में था, स्लेवरी सिस्टम में था। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ द कास्ट, कास्ट की डोमिनेशन के लिए क्राइटेरिया कौन सा नहीं था,
वेरी गुड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ डोमिनेशन ऑफ द कास्ट. कौन सा नहीं है यहाँ पर हमारा, तो कौन सा नहीं है, रिचुअल प्योरिटी. कौन सा नहीं है, रिचुअल प्योरिटी. क्योंकि यहाँ पे हम रिचुअल प्योरिटी की बात कर रहे हैं. देखो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल पावर, कलर एंड हाइट पावर, ये सब कास्ट के डोमिनेशन. रिचुअल प्योरिटी जो हम बात की, किसी रिचुअल के किसी पूजा पाठ एंड ऑल, ये हमारे क्राइटेरिया नहीं है कास्ट डोमिनेशन का, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन ये होगा. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी है कास्ट के डोमिनेशन का, कौन सा कास्ट ज़्यादा है, पॉलिटिकल पावर भी है एंड कलर एंड हाइट पावर. अच्छा एक सेकंड, सॉरी सॉरी, ये तीनों है हमारा कलर एंड हाइट पावर जो है हमारा डोमिनेशन नहीं है कास्ट का, कि कौन सा कलर एंड हाइट है, ये हमारे कास्ट का डोमिनेशन नहीं है. मैं उल्टा बोल रही थी, नॉट द को करके. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, कास्ट की साइज, रिचुअल प्योरिटी, कौन से कास्ट के कैसे रिचुअल्स एंड ऑल, एंड पॉलिटिकल पावर, ये तीनों हमारे कहीं ना कास्ट डोमिनेशन को फैक्टर है, बट कलर एंड हाइट पावर नहीं है. तो इसलिए यहाँ हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी. यहाँ हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट करो, रीड द फॉलोइंग आइटम ऑफ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. अब इसमें सारा दिया हुआ है, बट फिर भी आप अपने हिसाब से करो. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फर्स्ट वोमेन तो हमारी कौन है, हमारी फर्स्ट वोमेन की जब हम बात करेंगे तो ए का 5 है ना हमारा, ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी. आईएनसी की पहली वोमेन पूछा, इंडिया की नहीं, आईएनसी की पहली वोमेन प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जल्दी बताओ. तो सबसे पहले तो आज अगर हमको वहां चले, मतलब स्वच्छ भारत मूवमेंट, स्वच्छ भारत मूवमेंट हम जानते हैं नरेंद्र मोदी. बी का 4 जहां जाए उसको रखते हैं, बाकी को एलिमिनेट करते हैं. तो बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी है ना. दलित मूवमेंट किसने चलाया था, दलित मूवमेंट किसने चलाया था, दलित मूवमेंट था क्या जहाँ पे अपर कास्ट को चैलेंज किया गया था सोशियो कल्चरल प्रीडोमिनेंस के लिए, दलित मूवमेंट चलाया गया था. ये किसके, अंबेडकर के द्वारा, बी आर अंबेडकर. तो सी का 1 जहाँ है उसको रखते हैं, तो देखो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब मेरे पास 2 बच रहा है, सी का 1, बी का 4, बी का 4. अब हमको अलीगढ़ मूवमेंट का पता करना है, तो अलीगढ़ मूवमेंट बताओ. ये सैयद अहमद खान ने, D का 3. तो ये है हमारा, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया A का 2, फर्स्ट ब्रोमेन सरोजनी नायडू से करके यहाँ से शुरू किया हमने. तो यहाँ पर सारा देख, अभी आप लिख सकते हो, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस प्रीवियस से रिपीट हो जाते हैं. तो अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, दलित मूवमेंट हमारे बी आर अम्बेडकर, स्वच्छ भारत मूवमेंट नरेंद्र मोदी, और ये हमारी सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी. नेक्स्ट करो, इन सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटेटिव एंड डिसेंट पैटर्न देने के लिए. तो कौन से चीज को फैमिली फुलफिल करती है, कौन सी नीड्स जो है फैमिली का काम है देना, और ये फैमिली का फंक्शन है जो हमने पढ़ा है. वेरी गुड. कौन, क्लॉथ, शेल्टर, मेडिकल एंड रिप्रोडक्शन नीड्स, ये सारे हमारे, ये सारे हमारे. गुड. नेक्स्ट करो, अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे. तो ये हमारा सीधा है जाकिर हुसैन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. बिहेवियरिज्म के 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बताओ.
वेरी गुड, कौन सा है हमारा सी ऑप्शन, अनलर्न बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडीशन रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिज्म के तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अनलर्न बिहेवियर, बिहेवियरिज्म देखो, अनलर्न बिहेवियर यानी हमारे रिफ्लेक्सेस, ह्यूमन बिहेवियर जो कंडीशनिंग से, एंड कंडीशन रिस्पॉन्स जो कि लर्न किए हम थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से। तो इसलिए यहाँ हमारा क्या है, ये सी अनलर्न बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर एंड ये अनकॉन्सियस लर्न और कंडीशन, अनकंडीशन नहीं बल्कि अनलर्न, यानी जो हमारे रिफ्लेक्सेस से हो रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर और अनकंडीशन रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट करो, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट स्टेट्स दैट द मेंटल एक्सपीरियंसेस डिपेंड्स ऑन द पैटर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, वेरी गुड, एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स। नेक्स्ट करो, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब कितनी बार हर सेट के एग्जाम में ये इंट्रोस्पेक्शन से आता है, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन मतलब खुद के अंदर झांकना, यानी लुकिंग विद इन और लुकिंग इनवर्ड। तो ये हमारा क्या, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब यही। इसीलिए सबसे पूछ से क्वेश्चन एक और आता है, सबसे वीक यही इंट्रोस्पेक्शन का है, तो ये है हमारा। नेक्स्ट करो, साइको एनालिसिस इज द स्टडी बिहेवियर ऑफ, किसका है साइको एनालिसिस, हम किसके बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ आता, जब साइको एनालिसिस ऑफ स्टडी बिहेवियर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा देखो, एबनॉर्मल इंडिविजुअल जो कि एबनॉर्मल है, यानी जो कि मेंटली रिटार्डेड है कह सकते हो, है ना, जो कि क्या है, मेंटली रिटार्डेड है। इनसेन इंडिविजुअल जो थोड़े इनसेन टाइप के हैं, यानी जो थोड़ा बुराई टाइप से करते हैं वो, और हमारे मेंटल डिसऑर्डर जिनको मेंटली डिसऑर्डर है या डिसऑर्डर, तो हम यहाँ डिसेबल तो है नहीं, ये भी मेंटली डिसऑर्डर यानी मेंटल रिटार्डेशन की बात करा है। तो साइको एनालिसिस प्राइमरीली हमें किस पे फोकस करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर्स पे फोकस करता है, याद रखना, अनकॉन्शियस बिहेवियर्स पे, जो हमारे थॉट, जो हमारे सोच होते हैं उन पे फोकस करता है। और वो कैसे इंडिविजुअल्स को हम बोल देते हैं, एबनॉर्मल या मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स को हम एड्रेस करते हैं, मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर्स को। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल, पागल, एबनॉर्मल मतलब जो कहते हैं जो थोड़ा नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा वैसे हमारे बिहेवियर, तो यहाँ मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक्सप्लोर करता है हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को भी, मेंटल डिसऑर्डर्स को भी, इमोशनल डिसऑर्डर्स को, क्योंकि हमारा सोच बिहेवियर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, इस पे फोकस करता है साइको एनालिसिस। नेक्स्ट करो, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइको एनालिटिक पेशेंट द फर्स्ट स्टेप इज, वेरी गुड, रैपोर्ट बनाना, बहुत आसान है रैपोर्ट बनाना। टर्म पर्सनालिटी कहाँ से डिराइव हुआ है, पर्सनालिटी परसोना वर्ड से आया, जिसका मतलब है थिएटरिकल मास्क, अभी आज ही हमने पढ़ा, तो वो क्या, लैटिन वर्ड से, लैटिन। नेक्स्ट करो, ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस हमने पढ़ा आज ही, तीन तरीके के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में हमने क्या पढ़ा था, की पॉइंट अवेयरनेस। अनकॉन्शियस में हमने क्या पढ़ा, जो लार्जली डिटरमाइन होता है 9/10 पार्ट होता है, और सबकॉन्शियस क्या है, रीडली रिकॉलेबल, जिसको हम तुरंत रिकॉल कर सकते हैं, अपने माइंड कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने आज ही पढ़ा है। तो यहाँ क्या है हमारा, अनकॉन्शियस ड्राइव, लार्जली किसके थ्रू, अनकॉन्शियस ड्राइव से डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट करो, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट इज, अब ये चारों तो हमारे ग्रोथ के लिए तो फोर्स है, पर एक डेवलपमेंट के लिए भी है, तो वो हमारे लिए साइज, क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ पर जब कह रहे डेवलपमेंट में चेंजेस इन साइज सच एज ग्रोथ इन फिजिकल डायमेंशंस या चेंजेस इन द साइज ऑफ कॉग्निटिव और एबिलिटी स्किल्स, यानी साइज हमारा क्वांटिटेटिव चेंज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में भी डिफर करता है साइज। इसलिए यहाँ क्या होगा, साइज शेप नहीं, हाइट नहीं, वेट नहीं, बल्कि साइज, क्योंकि साइज कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से भी रिलेट कर जाता है, इसलिए डेवलपमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफालोकैडुअल। सेफालोकैडुअल के साथ और कौन सा होता है, हमने बताया है, जल्दी बताओ सेफालोकैडुअल के साथ और कौन सा होता है, हमने कल ही पढ़ा। जो लोग भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए गाइस, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करने के साथ साथ जल्दी से शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी को सेशन को, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलते हैं। तो बिल्कुल यहाँ क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल, अभी सब मैंने पढ़ा, आप देखो खुद देखोगे कि एक एक पॉइंट आपका लड़ रहा है। कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहे हो, अलग से मेरी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए वही कोर्स इंपॉर्टेंट है जो हम यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट करो, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, यानी से लेके लाइफ ऑफ मदर्स वूम से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब कौन सी फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। वेरी गुड, कौन सी फैक्टर से, ऑल ऑफ द अबव, हेरिडिटरी भी, बायोलॉजिकल भी, और इमोशनल, मदर के इमोशनल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करो, कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ अ, कंडीशनिंग में हम किसका मॉडिफिकेशन करते हैं। कई लोग जो है सोच रहे हो ये डॉट वाला आंसर सही है, डोंट गो विद द डॉट आंसर, इसमें बहुत सारे गलत हैं, तो सही सही बताओ कंडीशनिंग का मतलब मॉडिफिकेशन किस चीज में है। नेचुरल रिस्पॉन्स में, कंडीशनिंग कब होता है, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन, हमने इस सलाइवेशन में मॉडिफाई कर दिया कि जब घंटी बजेगी तभी सलाइवेट करना है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स में मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट करो, सबसे पहले कौन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो फर्स्ट का फर्स्ट ओपन किए थे, लिप्जिंग में, ये हमारे यूजीसी नेट में भी आता, तो सबसे पहले किसने किया था। वेरी गुड, किसने किया था, विलियम वुंड ने, किसने, विलियम वुंड ने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, एंड हु ओपेन द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिप्जिंग, जिन्होंने सबसे पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिंग में ओपन किया था। नेक्स्ट करो, क्लासिकल कंडीशनिंग एक प्रोसेस है वेयर बाई इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज, इनवॉलेंट्री बिहेवियर क्या है। वेरी गुड, क्या है वो, हमारा लर्न, लर्न, जहाँ इनवॉलेंट्री बिहेवियर लर्न होता है, याद रखना, प्रोसेस एलिसिट हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग में, प्रिडिक्टेड नहीं, अनलर्न भी नहीं, लर्न, हम इनवॉलेंट्री बिहेवियर, तो हम वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री बिहेवियर क्या होते हैं, लर्न होते हैं, लर्न इनवॉलेंट, वेयर बाई इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज लर्न, क्लासिकल कंडीशनिंग में हम एलिसिट ऑपरेंट में बिहेवियर निकालते हैं, है ना, एलिसिट, यहाँ लर्न होगा हमारा। एक मिनट, एक मिनट, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से नहीं करें, यानी रिफ्लेक्स नहीं, यहाँ अनलर्न और इननेट होगा, इनबॉर्न होते हैं वो इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स जो होते हैं, जैसे कि फूड के है तो सलाइवेट हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये डी होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट करो, पीपल हु हैव एन एक्सेस ऑफ ब्लड, वार्म, पैशनेट, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक हैव अ, जल्दी बताओ, हमने पढ़ा है ये चारों किसके अंदर आते हैं, क्रेसमर्स, किसके अंदर है, क्रिसम, हिपोक्रेट्स के चार फ्रेंड है, हिपोक्रेट्स के चार फ्रेंड है, क्रिसमर्स के नहीं, हिपोक्रेट्स के, और किसमें हमारी ये आएगी, सैंग्वीन फिलर पर्सनालिटी में, ये देखो अभी जस्ट हमने यूनिट 3 में करा है ना, ये देखो ह्यूमर्स की बेसिस पे, सैंग्वीन में चीयरफुल, लाइट हार्टेड, हैप्पी, होपफुल, ये सारा कुछ, और यहाँ हमसे यही पूछा है सैंग्विन का, तो ये चारों मैंने पढ़ाया आपको, सब पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आओ, जंग की इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी हमने करा है, बताओ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जंग की।
सी है वो हमारी बोथ ए एंड बी, मोर थियोरेटिकल डिटैच्ड एंड अलूफ और मूडी अनस्टेबल लीन एंड थीन, यानी ए बी सी बोथ ए एंड बी, जंग एंड इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट करो, अल्पॉट ने कौन से तीन ट्रेड दिए हैं, कौन से वो हमारे, यस कार्डिनल सेंट्रल और सेकेंडरी, आज ही हमने पढ़ा कार्डिनल सेंट्रल और सेकेंडरी। नेक्स्ट करो, थॉर्नडाइक की ट्रीज और लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, थॉर्नडाइक की थ्री लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, यस लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स और लॉ ऑफ इफेक्ट, ये बी ऑप्शन हमारा। गुड, नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, लर्निंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यस कौन सा नहीं है, लर्निंग कैन बी ओनली राइट बट नॉट रॉन्ग, ये वाला करेक्ट नहीं, इज नॉट करेक्ट अबाउट, ये है, ये सही है, लर्निंग मॉडिफिकेशन है हमारे वेयर का, पर्सनालिटी जो है हमारे एंड लर्निंग का एंड प्रोडक्ट, मतलब कहने का जैसे एक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वैसा पर्सनालिटी शो करते हैं, और लर्निंग सोशली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों हो सकता है, इसलिए यहाँ बी। स्टोरी टेलिंग टेस्ट कम्स अंदर कौन, किसके अंदर आता है, तो वो प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है, क्योंकि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर है, और ये पूरा ओवरऑल किसको कवर करता है, प्रोजेक्टिव को, तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग टेस्ट हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है, और जिसके अंदर जितने भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनमें स्टोरी टेलिंग तरीके का, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब यूज कर सकते हैं, जो आप आपके सामने कुछ सिनारियो दे दिए जाएंगे और बोलेगा इससे बेस पे स्टोरी बनाओ, तो जो आपके मन में अनकॉन्शियस बिहेवियर में चल रहा होता है उसी से स्टोरी बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट करो, मैच करो, तो यहाँ आ जाओ, यूनिफैक्टर थ्योरी तो हम जानते हैं, बीनेट डी का वन जहाँ जाए उसको रखते हैं, बाकी एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट हो गया। टू टू फैक्टर थ्योरी हम जानते हैं, स्पीयरमैन बी का फोर रखते हैं, बाकी को एलिमिनेट करते हैं, तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, अपने आप आ गया, बी का फोर, डी का वन, ए का थ्री। मल्टी फैक्टर थ्योरी हम जानते हैं, थॉर्नडाइक और ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारा थर्स्ट है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारा थर्स्ट है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, 80 का ए। नेक्स्ट करो, गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ, हम जानते हैं कौन कौन सा होता है, 100, 120 और 150, ऐसे ही था ना, सॉरी 120, 150 और 180 जो करंट है, तो 120 वाला तो पुराना हो गया, अब जब मेरे पास 150 है यहाँ ऑप्शन में तो हम इसको लगाएंगे, अगर 180 होता तब हम 180 को लगाते, याद रखना क्या होता है उसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है, गिलफोर्ड ने तीन माइंड कंपोज किया था, तीन डायमेंशन, कौन कौन से तीन डायमेंशन, वेरी गुड, ओ सी पी ऑपरेशन कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ओ सी पी ऑपरेशन कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट करो, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड इंटू फोर काइंड ऑफ मटेरियल, कंटेंट हमारी हम जानते हैं ना ओ सी और पी में से सब डिवाइडेड थे अलग अलग में, तो कंटेंट भी हमारी कुछ में डिवाइडेड थी, कंटेंट का कौन सा है बताओ, आ जाओ देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखो ओ सी पी और ये ओ सी पी हमारी इसमें डिवाइडेड है, देखो ऑपरेशन कंटेंट सिम, ये विजुअल ऑडिटरी सिम्बॉलिक सिमेंटिक और फिगरल, हमारा विजुअल और ऑडिटरी किसको बदल गया है, पहले इसकी जगह पे क्या था, फिगरल टर्म था, पहले कौन सा टर्म था, फिगरल टर्म था, फिर अब क्या हो गया,
अब इसको विजुअल और ऑडिटरी कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो ये रहा फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। इसी फिगरल को बदल करके विजुअल और ऑडिटरी कर दिया गया 180 में। ये 120 का बता, 150 का जो है हमारा उसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट करो, ट्रॉमा क्या है एक तरीके का? ट्रॉमा क्या है एक तरीके का? ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है हमारा, है ना। ट्रॉमा जब हम किसी इवेंट से, नाइट मेयर्स ये सब आने लगता है तो हमारा मेंटल हेल्थ हो जाता है। ये एक तरीके का ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक मेंटल इलनेस है, इसलिए यहाँ पर ए। मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? सोचने नहीं ऑप्शन है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? गोलमैन, गोलमैन है ना। नेक्स्ट करो, साइकोलॉजी का मतलब आज ही हमने पढ़ा है सारा, कल की क्लास में सारा पढ़ा है, बताओ है ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी? साइंस ऑफ सोल से, फिर साइंस ऑफ माइंड आया, फिर साइंस ऑफ बिहेवियर आया, यानी ये तीनों मतलब निकालेगा तो ऑल ऑफ द अबव साइकोलॉजी का। ये तीनों मतलब सोल से शुरू हुआ था माइंड, फिर फाइनली बिहेवियर के टर्म्स में साइकोलॉजी को जानने लगे। नेक्स्ट करो, अ स्टूडेंट हु कंटिन्यूअसली फाइट्स विद अदर स्टूडेंट्स, नेवर पेज अटेंशन इन द क्लास, नेवर केयर्स टू डू होमवर्क इज द रिजल्ट ऑफ। वेरी गुड, किस चीज का रिजल्ट है वो? बिहेवियरल प्रॉब्लम का, बिहेवियरल प्रॉब्लम का है ना। नेक्स्ट करो, एक्सपेरिमेंट विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड, थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम। किसने दिया है? थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम, किसने दिया है? तो ये हमारे आइजिंक ने ये लाइन बोला था कैंट को कोट करते हुए, नन ऑफ द अबव होगा। यहाँ ना कैटल, ना क्रेचमे, ना जीडब्ल्यू एलपोर्ट, ना यहाँ पे हमारे आइजिंक ने। तो ये देखो हमारा कैंट को कोट करते हुए, कोटिंग कैंट, आइजिंक ने स्टेट किया कि एक्सपेरिमेंट विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड एंड थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लेम। नेक्स्ट करो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये किसने बात करी है? तो किसने बात करी है? फ्रियर्ड ने, किसने? फ्रियर्ड ने। वेरी गुड, नेक्स्ट करो, अकॉर्डिंग टू सेल्डन, अब देखो सारा कंसेप्ट इसी में इंक्लूड कर दिया गया। सेल्डन का एंडोमॉर्फिक हमने पढ़ा था ना, एंडोमॉर्फिक जिसको विसेरोटोमिया, तो देखो बिग विसरा लिखा है ना, मोर फैट बट वीक मसल्स, फैट मोटे होते हैं और वीक मसल्स होते हैं। फिर मेजोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक हमने पढ़ा था जो एकदम हट्टे कट्टे अच्छे स्मार्ट एस्थेनी टाइप का, जिसको हम लोग बोलते थे मेजोमॉर्फिक सेरेब्रोटोमिक टाइप। तो ये देखो पर्सन है स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स। फिर हमारा था एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक जिसको हमने बात करी थी, ये हमारा था ना विसरोटोमिक, सेरेब्रो मेजोटोमिक और एक्टोमॉर्फिक का सेरेब्रो, तो ये सेरेब्रोटोमिक था एक्टोमॉर्फिक हमारा। इसमें क्या था? हमारा सारा पार्ट ऑफ बॉडी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग वीक, सिर्फ मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन्स वीक होते हैं क्या? तो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है? वीक होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये देखो है ना, एक्टो, एक्टो हमारा क्या? सेरेब्रोटोमिक, एंडो हमारा विसरोटोमिक और मेजो हमारा सोमाटोमिक। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये देखो एंडो हमारा विसरोटोमिक, मेजो हमारा यहाँ देखो मेजो हमारा सोमाटोमिक और एक्टो हमारा सेरेब्रोटोमिक, एक्टो हमारा सेरेब्रोटोमिक। तो ये एक्टोमोफिक है, सेरेब्रोटोमिक है, और इसमें देखो लीन डेलिकेट पुअर मसल्स हो जाते हैं, पूरा वीक हो जाता है ये, इसलिए यहाँ पर क्या? वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च किसमें इन्वॉल्व होता है? पढ़ो और बताओ।
बिल्कुल, किसमें? इसमें इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम और द सेम बॉडी ऑफ फेनोमेना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ क्या हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट करो, द इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग सैम्पलिंग। कौन सा? हर स्टेज में हम सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो बहुत आसान है, सैम्पलिंग के हर स्टेज में हम करते हैं। नाम से ही कई पॉइंट निकल रहा है क्या? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट करो 93। तो क्या, आई कुड नॉट लिव विदाउट माई मोबाइल फोन, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री कांट से एग्री, स्ट्रांगली एग्री। तो ये वाला हम कब स्कूल रेटिंग स्केल्स वगैरह में यूज करते हैं। आप क्या करो लेट, जैसे ये लिकर स्केल का हो सकता है, तो यहाँ क्या है? रेटिंग स्केल, ना इंटरव्यू, ना क्वेश्चन आया, ना ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। नेक्स्ट करो, सैम्पलिंग एरर हमारा कितने तरीके का होता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यस, बहुत आसान, सैम्पलिंग एरर हमारा दो तरीके का मेनली, क्या क्या हमारा दो तरीके में क्या क्या, एक तो हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और एक रैंडम सैम्पलिंग की वजह से होता है ना, रैंडम सैम्पलिंग एरर की वजह से होता है। तो यहाँ हमारे टू वेज होते हैं, क्या? टू वेज, देखो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग एरर और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर, इसके अलावा भी होते हैं पर मेन टू वेज होते हैं, तो ये दो वेज। नेक्स्ट करो, नल हाइपोथेसिस एक फेल हाइपोथेसिस जो कितने टाइप ऑफ एरर को इन्वॉल्व करता है, बहुत आसान है, टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप वन और टाइप टू, टाइप वन और टाइप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, द रिसर्च इज यूजुअली कैरिड इन लैबोरेटरी सम टाइम व्हेन एनिमल्स। वेरी गुड, जब कौन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कर रहे होते हैं तब, एक्सपेरिमेंटल एक्शन नहीं, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट करो, टूल यूज व्हेन रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड, कौन सा टूल यूज करते हैं जब हम जान रहे हैं कि जो मेरे रिस्पोंडेंट है वो क्या है, वो एजुकेटेड है, तब कौन सा टूल यूज करते हैं? वेरी गुड, क्वेश्चन आयर करते हैं, शेड्यूल कब? जब हमको पता है हम खुद भरना होता है, जब हम क्वेश्चन आयर की बात कर रहे होते हैं तब हम कौन सा यूज करते हैं, तब हम क्वेश्चन आयर करते हैं, तब हम क्वेश्चन आयर करते हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट करो, Do college teacher these days read more English or Hindi books? Hindi book पढ़ते हैं कि English book पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये पूछा जा रहा, तो ये कौन से क्वेश्चन का जवाब है, कौन सा हमारा? तो definitely open ended question, क्योंकि यहाँ open ended, अगर सिर्फ पूछता college teachers read English books only yes or no तो होता close ended, है ना, लेकिन यहाँ हमसे बोला है open ended, क्योंकि do पूछ रहा है, पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं बताओ। नेक्स्ट करो, स्टडिंग एवरीडे लाइफ इवेंट्स, हर दिन का लाइफ इवेंट्स अगर हम पढ़ रहे हैं एंड अंडरस्टूड कर रहे हैं बाय द पार्टिसिपेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? तो वेरी गुड, किसका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जब हम एवरीडे लाइफ पढ़े, तो पार्टिसिपेंट, क्योंकि उसके साथ रह रहे हैं, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट में रह करके हम समझ रहे हैं पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अ रिसर्चर मेटर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉब्लम इन विच द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ इन्फरेंस एज। समझ रहे हो, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन यानी कंटेंट की बेसिस पे हम कर रहे हैं, तो वो कौन सा हमारा कंटेंट एनालिसिस, वो कौन सा हमारा कंटेंट एनालिसिस, है ना, कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट करो, कह रहे थॉमस हेनरी के अकॉर्डिंग टू थॉमस हेनरी कौन सा मेथड इज नथिंग बट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, हमारे ह्यूमन माइंड का नॉर्मल वर्किंग है।
तो ये थॉमस मुंडे ने इसको रेप्लीकेशन का टर्म दिया था। उन्होंने कहा कि हमारा ह्यूमन माइंड का रेप्लीकेट करते जो चीजें, जैसे पजल्स को सॉल्व करना, चीजों को ऑब्जर्व करना, इसकी बात उन्होंने रेप्लीकेशन में कहा था। उन्होंने कहा ये यूनिवर्सल है, इम्पेरिकल रेगुलरिटीज है कि लॉज हमारे रेप्लीकेबल या वेरीफाइड होते हैं, रिपीट करते हैं उन चीजों को, सिमिलर कंडीशन को देख के सिमिलर कंडीशन में हम चीजों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब ये डेफिनेशन है, सीधा सीधा मेरी रिसर्च की टॉपिक में आपको मिलेगा जब हम रिसर्च पढ़ेंगे। किसने डिफाइन किया था कि साइंटिफिक रिसर्च सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इंपेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन का? तो किसने डिटरमाइन किया था? वो कर्लिंगर ने। किसने? कर्लिंगर ने। तो याद रखना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में भी है जो मेरे पुराने लर्नर्स, रिसर्च तो अभी हम करेंगे। तो ये है हमारा अभी तक, जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया गाइस, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग भी SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस, क्वेश्चन देख रहे हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी SSB में भी आएंगे, और ये सब मेरी कंटेंट में है। तो अभी जो न्यू बैच स्टार्ट करा है मैंने, दो ही क्लास, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल है एम्पेरिकल रिसर्च में, हम जब भी बात करेंगे तो एम्पेरिकल रिसर्च में हम ऑब्जर्वेशंस ऑफ फैक्ट इंटरेक्शन विद पीपल के साथ एम्पेरिकली एक्सपीरियंस बेस्ड पे तो ये करेंगे। लाइब्रेरी रिसर्च जो कि लाइब्रेरी में सिचुएशंस में, वहाँ लाइब्रेरी के बुक्स एंड ऑल पे रिसर्च करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च जब हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, और सोशल रिसर्च जब हम ग्रुप्स या स्टडी लोकल ग्रुप की लोकल प्रॉब्लम, तो एक्शन रिसर्च। इसलिए यहाँ हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करो। The research aims at describing things, events and phenomena under the investigation and focus on knowledge and describing things related to present rather than past. Key point, present पे focus करता है। तो present कौन? Historical हमारा watch, past, experimental हम क्या कर रहे हैं, result क्या आएगा, cause and effect, philosophical हमारा phenomenon, philosophy की बात करता है। तो एक यही बच गया descriptive, जो हमारे describe करता है कोई भी घटना phenomena हुआ हो, present को ध्यान में रखते हुए। इसलिए यहाँ D option। Next करो। एजुकेशनल रिसर्च विल इंप्रूव व्हेन? जब स्टूडेंट और टीचर दोनों लर्न करेंगे, रिसर्च अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। रिसर्चर एंड रिस्पॉन्डेंट नहीं, स्टूडेंट एंड टीचर्स, क्योंकि रिसर्च करने और कराने वाले यही होते हैं। इसीलिए रिसर्च स्टडी द मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वो वेरिएबल को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है। नेक्स्ट को, वेरिएबल दैट आर मेजर फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट से मेजर करते हैं, वो कौन सा है? करो। तो ये तो ये और ये तो होगा नहीं, मेजर फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर फ्रॉम द, होना तो इंडिपेंडेंट भी चाहिए क्योंकि दोनों के लिए, लेकिन चूंकि मेजर्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट, मेजर कर रहे हैं हम इसमें, तो मैनिपुलेट करते हैं, मेजरिंग इसको करते हैं, इसलिए सिर्फ डिपेंडेंट हो गया। नेक्स्ट करो। द हाइपोथेसिस विच इज टिपिकली स्टेटेड यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप, बहुत आसान है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो रिलेशनशिप, देयर इज नल है वो। नेक्स्ट करो। द फॉलोइंग स्टेट द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताता है।
वेरी गुड, तो कौन सा है हमारा? यस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट करो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग? तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है कि सैंपल को यूज करना इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन वो इकोनॉमिकल है हमारे लिए, है ना। नेक्स्ट करो, द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ वन वेरिएबल विद अनदर इज, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से, तो वो कौन सा है हमारा? कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंपल है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन नहीं, सिंपल नहीं, कोरिलेटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट है ना, आर के थ्रू ही हम रिलेशनशिप बता पाते हैं। नेक्स्ट करो, इच एंगल और स्लाइस इज प्रोपोर्शनल टू इच प्रेजेंटेशन परसेंटेज ऑफ द होल एंड शुड लेबल विद द डिस्क्रिप्शन एंड परसेंटेज ऑफ द होल इन अ, यानी हर एंगल या स्लाइस जो है वो अपने एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन से में होता है हमारा? पिक्चर इमेज बनाओ, बन जाएगा क्वेश्चन ये वाला, बहुत आसान है। पाई चार्ट, क्योंकि पाई चार्ट में ना एज अ होल हर परसेंटेज 30%, ये एज अ होल इसका 20% है, ये एज अ होल ये, तो वो पाई चार्ट हमारा। नेक्स्ट करो, द वैल्यूएबल वैल्यू डेट अकर्स मोस्ट ऑफनली इन अ सेंट्रल मोस्ट ऑफन, यानी हर बार सेंट्रल टेंडेंसी में होता है, तो कौन सा? हम जानते हैं ये मीन मीडियन मोड तीनों है, ये तो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के बाहर डेविएशन का पार्ट है, तो हमारा क्या? मीन। नेक्स्ट करो, डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू, सिर्फ डिफरेंस बताना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के बीच में, उसका कौन सा है इन चारों में से? बहुत आसान है ये, कौन सा है? रेंज। रेंज में हम सिर्फ लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉर्मल कर्व को हम क्या कहते हैं? बेल शेप्ड, नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड बेल शेप्ड, है ना, बेल शेप्ड। नेक्स्ट करो, एजुकेशनल रिसर्च का मतलब क्या है? तो हम जानते हैं एजुकेशनल रिसर्च वो सारे प्रॉब्लम जो हम एजुकेशनल में हेल्प एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स या एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने में या उस पर रिसर्च करने में बात करते हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट एंड ऑल की बात करें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करो, हाइपोथेसिस मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, किस चीज को फिट मीट करना चाहिए? तो क्या होगा हमारा? बिल्कुल
बिल्कुल, हमारा यहाँ ए एंड बी दोनों का, पहला तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो भी रेलेवेंट सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, और दूसरा इट मस्ट नॉट बी इन कॉन्ट्राडिक्शन विद अप्रूव्ड रेलेवेंट स्टेटमेंट्स ऑफ अदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। ये उनके कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं होने चाहिए, जो भी रेलेवेंट स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड हैं या जो भी फिक्स्ड हैं उनके अप्रूव्ड के कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम टेंटेटिव सॉल्यूशंस जो हाइपोथेसिस के लिए अप्लाई करते हैं, हम ऐसा नहीं जो यानी इन लाइन विद द थ्योरी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम जानते हैं ना हाइपोथेसिस ऐसे होने चाहिए जो थ्योरी से इनलाइन होने चाहिए, तो ये उसी को कह रहा है, कह रहा है ये कह रहा है कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब थ्योरी के अगेंस्ट, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लिखा है नॉट यानी सही है, इसलिए यहाँ ए एंड बी दोनों हमारा, ए एंड बी दोनों हमारा। नेक्स्ट करो, डाटा कोडिंग जिसमें हम आंसर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कर रहे हो किसकी हेल्प से, तो ए एंड सी दोनों के हेल्प से, कोड बुक और कोड सीट एंड अ कंप्यूटर इन दोनों के हेल्प से, यानी इट कैन बी डन यूजिंग अ कोड बुक और एक कंप्यूटर दोनों हेल्प से। नेक्स्ट करो, क्वेश्चनर एक ऐसा टूल है जब वेरी गुड, तो बिल्कुल देखो हमारा वेरी लास्ट सैंपल चाहिए होता है तो वन होना चाहिए, जहां जहां वन है वो रखते हैं, तो सब में है यानी ये हम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लार्ज ग्रुप्स विच आर लाइकली टू हैव हाई रिस्पॉन्स रेट्स एंड स्पेसिफाइड, क्वेश्चन आता है तो लार्ज ग्रुप को ले रहे हैं जिसका रिस्पॉन्स रेट हाई हो, तो ये थ्री भी होना चाहिए, जहाँ थ्री है रखते हैं, तो ये वाला एलिमेंट गया। कह रहा मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट इज कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री, अगर मॉडरेट रिस्पॉन्स रेट भी आ रहा है तो उसको सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं, तो ये भी सही है, तो हमारा ये भी सही है, लेकिन टू कह रहा है कॉस्ट हाई रखना हो तब ये गलत है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट करो, करेक्ट ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, करो बहुत आसान है ये तो, एक ही ऑप्शन से सीधा आ रहा है हमारा। डिस्चार्ज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट कर दो, उसके बाद लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू देखना है, उसके बाद पर्पज एंड रिसर्च क्वेश्चंस करना है, उसके बाद हमारे डाटा कलेक्ट करना है, देन हमको एनालाइज करना है डाटा को, एंड देन रिपोर्ट बनाना है, देन रिपोर्ट बनाना है, तो यहाँ हमारा क्या ऑप्शन बी, यहाँ हमारा क्या ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलो ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस फिनिश हुए, आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, एंड वेस वंस अगेन आप इस सेशन, आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेते हो गाइस, कर सकते हो गाइस, एसएसबी के लिए भी जिन लोगों को यूनिट 3 का टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, आप देखे ना सारा क्वेश्चन, अभी जो लर्नर्स मेरे साथ हो कोर्स में, खुद एनालिसिस करो कि एक एक पॉइंट जो यूनिट 3 के क्वेश्चन थे वो सब हमने पढ़ रखे, कुछ भी नया नहीं आया, तो अब इसके बाहर जब है ही नहीं इतना, इसी के आसपास घूम रहा तो ऑलरेडी सिलेबस में है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जो एसएसबी वाले लर्नर चाहे वो रिसर्च के लिए जुड़ना चाहते हो, क्योंकि आपका 5 यूनिट है जिसमें से 1 फर्स्ट यूनिट फिलोसफी है, हम वो सब पढ़ेंगे, 3rd यूनिट आपका जो है रिसर्च से रिलेटेड है, एंड 4th यूनिट जो है आपका टीचर एजुकेशन, ये सब हमारा जो है साइकोलॉजी, ये सब से, तो ये तीनों यूनिट आपका इसमें कवर होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो जिनको ज्वाइन करना है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कल हमारी एसएसबी की क्वेश्चन कंटेंट की क्लास होगी, कल हमारी एसएसबी की कंटेंट की क्लास होगी, तो टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।